जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं टेक पंकज शर्मा यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस तरीके का ब्लॉग कैसे बना सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में। तो वो जो है आप अपने स्मार्टफोन के अंदर भी बना सकते हैं। स्मार्टफोन के अंदर जो आपको ब्राउजर ओपन करना और साइड में आपको मेनू बार शो होगा उस पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप सेटिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो है स्मार्टफोन के अंदर भी इस तरीके से कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये जो है सारा कुछ बिल्कुल ही फ्री में बनने वाला है और मैं आपको बता रहा हूँ आपको कैसे यहाँ पर जो है वो ब्लॉग बनाना है। तो मैं अपने YouTube चैनल पर जो ब्लॉग की फुल सीरीज जो अपलोड करके रखी है, हो सके तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, नहीं तो आप हमारे चैनल पर आकर के प्लेलिस्ट में आकर के देख लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं के लिए सबसे पहले आपको जो google.com को ओपन करना पड़ेगा अपने ब्राउजर के अंदर। आप चाहे तो स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो आप जैसे इस तरीके का पेज ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो है सर्च करना पड़ेगा blogger.com। आप जैसे blogger.com यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने फर्स्ट में एक वेबसाइट आएगा कुछ इस तरीके का। तो आप जो है सिंपल इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपका वेबसाइट जो है blogger.com को ओपन होगा। फिर आपको राइट साइड में यहाँ पर जो है साइन इन होगा, तो आप सिंपल उस पर क्लिक कीजिए एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आपका पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी से जो उसे लॉगिन कर लीजिए। आई होप आपके पास जो ऑलरेडी ईमेल आईडी होगा ही, एग्जैक्टली जो सारे लोग के पास ईमेल आईडी ऑलरेडी होता ही है। तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करके नेक्स्ट पर प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज जो है दिखने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको किस तरीके का पेज जो है वहाँ पर दिखेगा। तो आप जैसे इस तरीके का अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल लेंगे, डालने के बाद आपको वहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा ऑलरेडी इस पर ब्लॉग क्रिएट है इसलिए इस तरीके से शो हो रहा है। आपको यहाँ पर न्यू ब्लॉग शो होगा, तो आप सिंपल यहाँ पर न्यू ब्लॉग पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो आप जो भी अपने ब्लॉग का टाइटल रखना चाहते हैं यहाँ पर टाइटल पूरा इंक फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस में सर्च सॉरी अपना टाइप करना पड़ेगा वो जो कि आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं। अगर वो आपका जो अवेलेबल होगा एड्रेस तो यहाँ पर आपका टिक जो है वो हो जाएगा, और अगर नहीं अवेलेबल होगा तो यहाँ पर जो इस तरीके का आइकन आएगा। तो आप यहाँ पर अपने अवेलेबल के मुताबिक जो यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर डोमेन डाल लीजिए और यहाँ पर जो है क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका ब्लॉग जो है क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है ब्लॉग अपना वो क्रिएट कर लिया हूँ अपने मुताबिक से डोमेन डालकर और टाइटल डालकर। तो अभी मैं व्यू ब्लॉग पर जाकर के आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके का ब्लॉग है। तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके का ब्लॉग है। तो अब इसके ऊपर आप इसको और भी अच्छे से कस्टमाइज करने के लिए इसके ऊपर आपको जो है यहाँ पर थीम डालना पड़ेगा। तो अब जो है थीम कैसे डालना है, सारा कुछ कस्टमाइज कैसे करना है, उसकी फुल वीडियो मैं आपको जो है पार्ट बाय पार्ट अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप सिंपल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके के वीडियोस के लिए। और मैंने हो सके तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप वहाँ पर से जाकर के हमारे प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हैं एंड वहाँ पर से पता कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि जो है किस तरीके से आपको थीम अपलोड करना है एंड उसके बाद जो है सारा कुछ कैसे कस्टमाइज करना है। तो इस तरीके से आप जो एक सिंपल ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और इसे जो है प्रोफेशनल तरीके से बनाने के लिए आपको जो है सारा वीडियो वॉच करना पड़ेगा एंड पार्ट बाय पार्ट आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से सारा कुछ होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को लाइक कर लिया। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही।